कैबिनेट का विस्तार हो गया है, मंत्रियों को अलग अलग अपने विभाग उनके मंत्रालय सौंप दिए गए हैं, किसको क्या मिला है ये डिटेल में बताएंगी कंचन। कंचन, 131 विधायकों का साथ पाके नीतीश कुमार ने बहुमत टेस्ट जो है पूरी तरह से पास किया। कल 26 मंत्रियों ने शपथ ली है। किसके हिस्से में कौन सा विभाग गया है वो आपको बता देते हैं इंडिया न्यूज के सभी दर्शकों को। नीतीश कुमार जो मुख्यमंत्री है, सबसे पहले उनकी बात की जाए तो गृह मंत्रालय, सामान्य प्रशासन, निगरानी विभाग, ये अहम विभाग है। तमाम विभाग जो होते हैं अहम होते हैं, लेकिन ये वो मुख्य विभाग जो मुख्यमंत्री खुद देखेंगे। उसके बाद डिप्टी सीएम जो है सुशील मोदी, उनकी बात की जाए तो उन्हें वित्त, वाणिज्य कर, वन और आईटी का विभाग दिया गया है। इसके अलावा कुछ और अहम मंत्रालय जो बहुत अहम है वो किन किन को मिले हैं वो आपके सामने पूरी डिटेल आप ग्राफिक्स में समझ सकते हैं। मंगल पांडे स्वास्थ्य मंत्री बनाए गए हैं। विजेंद्र यादव ऊर्जा उत्पादन विभाग उनको मिला है। प्रेम कुमार को कृषि मंत्री बनाया गया है। जल संसाधन की जिम्मेदारी ललन सिंह को दी गई है। नंद किशोर को आप देखिए, ललन किशोर यादव को पथ निर्माण का विभाग दिया गया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय की जिम्मेदारी श्रवण कुमार जी को सौंपी गई है। इसके अलावा राजस्व भूमि सुधार विभाग रामनारायण मंडल के हिस्से में गया है। जय कुमार सिंह को उद्योग और विभाग विज्ञान प्रौद्योगिकी का विभाग दिया गया है। सुरेश शर्मा को नगर विकास मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है। मैत्री, बहुत बहुत शुक्रिया कंचन।